question. Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. ओके यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिए हमें और हमें चेक करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट. तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस थ्री और टू टी रेस टू फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी रेस टू फोर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व. तो टी स्क्वायर माइनस थ्री विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू टी माइनस थ्री. ओके यहाँ पे हमने जीरो इंटू टी की टर्म नहीं दी तो वो जीरो इंटू टी ले ली. तो अब नेक्स्ट हमारा अब हम डिवीजन करें. ठीक है डिवीजन करते वक्त हमारा ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो हमने लिख लिया हमारा डिविडेंड. डिवाइजर हमारा ये होगा टी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू टी माइनस थ्री. ओके तो अब पहले हमें टू टी स्क्वायर चाहिए तो पहले हम इस पॉलिनोमियल को सिर्फ टू से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके इधर यहाँ पे क्या चाहिए टू टी रेस टू फोर सॉरी टू टी रेस टू फोर चाहिए हमें वो कैंसिल करना है तो हम इस पॉलिनोमियल को टू टी रेस टू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके तो टू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अगर इस नंबर को तो क्या आएगा टू टी रेस टू फोर प्लस जीरो टू टी क्यूब. ओके क्योंकि ये नंबर तो जीरो ही होगा सिर्फ टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब होगा और माइनस सिक्स टी स्क्वायर होगा. ठीक है यहाँ पे फिर से साइन चेंज किए हमने तो ये तो कैंसिल हो जाएगा टू टी रेस टू फोर. उसके बाद क्या है थ्री टी क्यूब माइनस जीरो इंटू टी क्यूब मतलब थ्री टी क्यूब. ओके माइनस टू टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी स्क्वायर क्या आएगा प्लस फोर टी स्क्वायर और माइनस 90 माइनस 12 एज इट इज आएगा. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा 3t क्यूब है. ओके तो हमारा यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3t से क्योंकि t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा और कोएफिशिएंट हमें 3 चाहिए तो 3 हो जाएगा इसीलिए हमने प्लस 3t से हमने मल्टीप्लाई किया. प्लस से क्यों किया क्योंकि यहाँ पे साइन अगर प्लस है तो हमारा इसका साइन भी प्लस ही चाहिए तो ही सब्ट्रैक्शन के वक्त वो कैंसिल हो सकता है. इसलिए 3t से हम प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइजर को तो क्या आएगा 3t क्यूब. ओके 3t इंटू टी स्क्वायर 3t क्यूब प्लस 3t इंटू 0t 0t स्क्वायर प्लस 3t इंटू माइनस 3 माइनस 90. ओके तो हम यहाँ पे साइन चेंज होंगे क्या होगा यहाँ पे प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा तो हम देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस 0t स्क्वायर 4t स्क्वायर. ओके और माइनस 90 प्लस 90 प्लस 0t. ओके और माइनस 12 एज इट इज आए. अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा t स्क्वायर है वो हमें कैंसिल करना है. ठीक है अगर ये टी स्क्वायर हमें कैंसिल करना है तो हम देखेंगे इस टी स्क्वायर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो प्लस 4 होगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो हमें यहाँ पे प्लस ही चाहिए तो ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के वक्त माइनस होके कैंसिल हो जाएगा इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस 4 लिया. तो 4 से हम प्लस 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर. ओके 4 इंटू 0 टी 0 टी और 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12. ओके सब्ट्रैक्शन के वक्त यहाँ पे साइन चेंज होंगे प्लस का माइनस और माइनस का प्लस तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 0 0 ये भी 0 ही हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा और माइनस 12 प्लस 12 कितना आएगा 0 ही आएगा. सिंस द रिमाइंडर इज 0 हेंस टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t रेस टू 4 प्लस 3t क्यूब प्लस माइनस टू टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12. रिमाइंडर 0 आया इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइजर है वो हमारे डिविडेंड का फैक्टर है. ओके ये प्रूव करना था हमें मतलब हमें क्या करना था पहले उनको डिवाइड उन दोनों का वो फैक्टर है या नहीं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के फैक्टर है या नहीं फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का ये हमें दिखाना था. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिवीजन करके हमारा रिमाइंडर 0 आता है क्या नहीं ये देखना है. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उस चीज वो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का
फैक्टर हो जाएगी।